हेलो दोस्तों, आज हम नीट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नीट एग्ज़ाम क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है या फिर आप 10वीं के बाद में बायोलॉजी के अंदर आपको रुचि है, तो इसमें आपके नीट एग्ज़ाम बहुत ही फायदेमंद होगा। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप 11th क्लास से ही नीट की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि नीट एग्ज़ाम क्या है। तो पहले मैंने बता दिया आपका, नीट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, आपको MBBS में प्रवेश के लिए ये एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। MBBS अर्थात बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस नीट के एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाती है वो करवाती है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में ये घूम रहा है कि मुझे नीट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। तो अगर आपको मेडिकल लाइन में अच्छा करियर बनाना है तो नीट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपके MBBS में प्रवेश के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप MBBS में नीट एग्ज़ाम के द्वारा ही जा सकते हैं। MBBS के अलावा आप जैसे BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जैसे BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब नीट का एग्ज़ाम ज़रूरी हो गया है, एम्स JIPMER में एडमिशन सी के द्वारा मिलता है। नीट का एग्ज़ाम BSc नर्सिंग और BSc वेटरनरी के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोग 11th क्लास के साथ ही नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये जो नीट एग्ज़ाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको जो कंडक्ट करवाते हैं वो करवाती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तथा एम्स में एडमिशन के लिए भी आपको नीट पास करना ज़रूरी है। एम्स के अलावा JIPMER के लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तथा इसके अलावा जैसे MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS और BHMS, इन सभी कोर्सेज के लिए आपको नीट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा नीट एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबल है। तो जो कैंडिडेट है 12वीं कक्षा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। तथा इसके अलावा मिनिमम 50% मार्क जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे नीट का एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है तथा कितनी बजे हैं, इसके अंदर क्या फीस है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, 6 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे तथा 6 मई 2022 तक भरे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी फीस के बारे में। तो जो जनरल के लिए है वो है 1,600 रुपये तथा OBC के लिए 1,500 रुपये तथा SC ST के लिए 900 रुपये हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो है आपके 17 जुलाई 2022 संडे को। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है जो आपके वो है 200 मिनट्स अर्थात 3 घंटे 20 मिनट्स। अब हम देखेंगे जो नीट का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कैसा रहता है। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब इसके अंदर जैसे फिजिक्स के अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसी प्रकार केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी और बॉटनी और जूलॉजी में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपके 35 क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें आपके जो 15 क्वेश्चन है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो इसके मार्क हैं वो हैं 140 और सेक्शन बी के जो मार्क हैं वो है 40। और जो सभी क्वेश्चन होंगे वो होंगे MCQ आधारित। इसके अंदर आपको सही क्वेश्चन के 4 नंबर और गलत क्वेश्चन का -1 नंबर काट लिया जाएगा, अर्थात इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। और जो आप अटेंड नहीं करोगे उसके कोई मार्क नहीं है।
तथा जो इस एग्जाम की समय सीमा है वो है 3 घंटे 20 मिनट और ये जो एग्जाम है 13 भाषाओं के अंदर होगा, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है आदि। अब हम देखेंगे नीट एग्जाम के लिए जो एज है वो है 17 साल से और नो अपर एज लिमिट। अब हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में, तो 11th और 12th को मिलाकर इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम देखेंगे जो 11वीं तथा 12वीं के अंदर फिजिक्स का जो कोर्स है ये आपके सामने दे रखा है, जैसे वर्क, एनर्जी और पावर है 11th के अंदर। इसी प्रकार आपके 12वीं कक्षा में फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आपके सिलेबस है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री में 11th और 12th का जो कोर्स है ये आपके सामने है, जैसे आपके 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और 12th क्लास के अंदर आपके सॉलिड स्टेट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपके 12th क्लास में है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी के अंदर, अब हम देखेंगे 11th क्लास के अंदर जो बायोलॉजी में है, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है और 12th क्लास के अंदर आपके जैसे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, ये आपके कोर्स बायोलॉजी से संबंधित होगा। अब हम देखेंगे मेडिकल, डेंटल और आयुर्वेदिक के लिए आप जो लिस्ट है मेडिकल कॉलेज की वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए www.nmc.org है, इसी प्रकार डेंटल कॉलेज के लिए आपके है dciindia.org है और आयुर्वेदिक के लिए आपके है www.ayush.gov.in, इसके ऊपर आप कॉलेज की लिस्ट देख सकते हैं।